नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। चारधाम में पूजा के नाम पर विदेशी दंपत्ति से ठगी का आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने राजस्थान में घर से दबोचा। बीते वर्ष केदारनाथ यात्रा में विदेशी परिवार से पूजा व दर्शन के नाम पर 1,82,000 रुपए की ठगी के आरोपी को पुलिस ने उसके घर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद उसे पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बुकिंगकर्ता ने ऑनलाइन महिला के खाते से 1,82,000 रुपए निकाले। 24 सितंबर को जब केदारनाथ पहुंची तो उसे पता लगा कि उसके नाम पर कोई भी बुकिंग नहीं हुई है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति को कई बार फोन भी किए लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। हजारों एनपीएस कार्मिक गैरसैंण में होलिका दहन पर नई पेंशन योजना कानून का करेंगे दहन, 13 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इस बार भी होलिका दहन पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से नई पेंशन योजना कानून की प्रतियों का दहन किया जाएगा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने देश भर के कर्मचारियों से आह्वान किया है कि एनपीएस के विरोध में सभी होलिका दहन में कानून की प्रतियों का भी दहन करें। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून में कैंट बोर्ड ने भी जारी किया चुनाव का कार्यक्रम। दून में 29 मार्च को होगा नामांकन, 30 अप्रैल को होगा मतदान। छावनी परिसर चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, ऐसे में देहरादून कैंट बोर्ड ने भी चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है जिसके तहत 29 मार्च को नामांकन और 30 अप्रैल को मतदान होगा। छावनी परिसर देहरादून के अंतर्गत आने वाले 8 वार्डों में रहने वाले मतदाता आगामी 10 मार्च तक मतदान सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं 17 मार्च तक नए मतदाताओं के नाम शामिल करने पर आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद कैंट बोर्ड कार्यालय में आपत्तियों पर सुनवाई कर अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्री फैब्रिकेटेड हट में फिलहाल जोशीमठ प्रभावितों का पुनर्वास संभव नहीं, होली के बाद फिर शुरू होगा निर्माण। ढाक गांव में निर्माणाधीन प्री फैब्रिकेटेड हट में आपदा प्रभावितों का पुनर्वास कराना अभी संभव नहीं होगा। यहां 15 में से 10 हट का ढांचा खड़ा कर दिया गया है। सोमवार तक एक प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अन्य हट में फिनिशिंग और टाइल्स बिछाने का काम जारी है। अब होली के बाद ही हट का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। वहीं अभी तक किसी भी प्रभावित ने हट में रहने के लिए अनुमति नहीं मांगी है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।